SE Media Network present. बिहार के सीतामढ़ी के प्रखंड मौला नगर स्थित राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड कार्यालय में पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना के नेतृत्व में राजद की सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि सदस्यता अभियान के मौके पर पूर्व विधायक श्री दोजाना ने कहा कि राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोकप्रियता को देखते हुए नौजवान साथियों से लेकर तमाम लोग अब इससे जुड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों से लोगों का मोह भंग भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सदस्यता अभियान पटना से आरंभ किया गया है, जिसके आलोक में सुरसठ विधानसभा क्षेत्र में पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान में बैठक के माध्यम से लोगों को पार्टी से जोड़कर लक्ष्य को पूरा करना है। उन्होंने बताया वो खुद भी पंचायत स्तर पर घूम घूम कर सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है और अराजकता का माहौल है, हत्या अपहरण लूट भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने जनता से इसको से निजात दिलाने के लिए तमाम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कहा। आपको बता दें कि रोजगार मांगने पर बेरोजगारों पर लाठी बरसाया जा रहा है, यह सब देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही बेरोजगारी यात्रा निकालकर बिहार सरकार की पोल खोल करेंगे। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे। सीतामढ़ी से अनिल सिंघानिया की रिपोर्ट। माहौल बना हुआ है तो राष्ट्रीय जनता दल ही उससे लड़ने का काम करेंगे। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। शायद हमको लगता है अभी उसी ढंग का माहौल देश में बन रहा है। मैं एक जगह पढ़ा था, एक बार स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए, मनोज भैया जरा गौर से सुना जाएगा, जापान वो गए तो एक राजमहल में उनको रुकने का मौका मिला। राजमहल में बहुत सारी बागवानी लगी हुई थी, उसमें एक चिनार का वृक्ष था और चिनार का वृक्ष 250 वर्ष पुराना था और उस पर 2.5 फुट था, उनको नहीं रहा गया है। इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।